वेलकम वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। और ये आज अपन दोबारा से प्ले कर रहे हैं लॉस्ट लैंड, और ये है लॉस्ट लैंड का एपिसोड 8। तो अगर तुम लोगों ने इससे पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं या अभी तक तुम लोगों ने स्टार्टिंग से इसे नहीं देखा है, तो तुम लोग एपिसोड 4 से इसे देख सकते हो, क्योंकि 4 में अपन ने पूरी स्टोरी कवर की है कि क्या है गेम की पूरी स्टोरी, क्या अपन कर रहे हैं। क्योंकि भाई स्टोरी मोड गेम, अगर तुम लोग स्टोरी नहीं पता होगी तो देखने में दिक्कत होगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वो भी देख लेना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दोनों मिल जाए। और कुछ भी करके इस साल जो अपन को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं तो फटाफट से करवा दो। और फिलहाल तुम लोग अगर पहले वाला पार्ट याद होगा, तुम लोगों को पता होगा कि भैया अपन यहाँ तक इस वाली कैस्टल तक आ चुके थे, इसके अंदर एंटर भी कर दिया था। और यहाँ पे तो फिलहाल मैं तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फिलहाल ये एक रास्ता जा रहा है भैया यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे भाई एक बार मैप खोल के दिखा देता हूँ मैं गेम में। तो लगभग गेम भाई आधे से भी ज़्यादा यहाँ पे आ चुका है, तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले है भाई फॉरेस्ट, तो यहाँ से अपना गेम स्टार्ट हुआ था, यहाँ से होते हुए हुए तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे अपन ने फॉरेस्ट का पूरा कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से चला गया लगभग सभी जगह चले गए फॉरेस्ट के। एंड फिर है ये माउंटेंस, और माउंटेन्स में भी सारी जगह चले गए हैं। भाई कैस्टल, कैस्टल में भाई एक कैस्टल रह गई है बाकी, ये वाली यहाँ पे जाना है और फिर गेम का एंड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट से यहाँ पे पहुँचते हैं, पजल सॉल्व करते हुए चलेंगे। और फिलहाल तो लोग देख सकते हो ये कुछ मैप है। तो फिलहाल अपन आ गए हैं अपने कैस्टल के सामने, और यहाँ पर अपन ने सारे पजल सोल्व कर दिए। अब चलते हैं फटाफट से अंदर, और एक रास्ता जाता है भाई ऊपर, तो सारी पजल सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं भाई अंदर। और अंदर की पजल की अगर मैं बात करूँ, तो पिछली वाली वीडियो में जो भाई अपन ने यहाँ पे कोई तो चीज़ थी जो कि अपन ने मिस कर दी है, तभी अपना गेम भाई एक जगह आके अटक गया। स्टोरी मोड गेम में अगर तुम्हें एक भी चीज़ मिस कर दे तो गेम अटक जाता है। ये देखो भाई यहाँ पर सोर्ड रखी हुई है जो कि अपन ने पिछली वाली वीडियो में मिस कर दी थी। तो अपन ये सोर्ड अगर हम तो नंगे हाथों से नहीं उठा सकते, तो ये भैया अपने पास है, इससे अपन उठा लेंगे। और यहाँ पे दोनों देखोगे एक आग के आइकन वाला मतलब फायर का सिंबल पड़ा है, तो ये भी फटाफट से उठा लेते हैं। और फिलहाल यहाँ पे भी एक पजल है, और यहाँ पे एक रास्ता है, और फिर एक यहाँ पे है। तो इस वाली पर्दे वाले इस वाले रास्ते में आते भाई यहाँ पे एक नई गली है, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है सबसे पहले, तो जिसके ऊपर ये दो पजल बनी हुई है। तो अपने को ये देखनी है भाई कहाँ पे कैसे करना है। एंड फिर एक ये दरवाज़ा है, और फिर एक ये दरवाज़ा है, और यहाँ पे अपन को भैया तीन सिंबल ला के लगाने हैं, तभी ये वाला दरवाज़ा ओपन होगा। तो ये फायर सिंबल, ओके ये सिंबल तो यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, आई थिंक कोई और यूज़ होगा। एंड यहाँ पे है भाई अपना जिमी, इन मतलब इन सिपाहियों के उस तरफ जहाँ पे जो है जिमी पे काला जादू हो गया है, तो अपन को मिटाना है। एंड यहाँ से चूहे को भी बाहर निकालना है, पता नहीं क्यों निकालना है बट निकालना है, ठीक है। तो ये पजल से अपन को सोल्व करनी है। अब चलते हैं भैया इस वाली साइड और देखते हैं इस वाली साइड क्या है। ओके यहाँ पे है भैया अपनी उड़ने वाली शिप, तो इस तक जाने के लिए इस जगवार से सबसे पहले निपटना पड़ेगा। जगवार नहीं है भाई, सॉरी लेपर्ड है। तो इस लेपर्ड को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और आई थिंक भाई मुझे नहीं पता है फिलहाल अपन को कैसे भगाना है। और यहाँ पे कैस्टल है, और ये लेपर्ड जो अपन को इस शिप तक नहीं पहुँचने दे रहा, तो सबसे पहले इस लेपर्ड को भगाना है। और यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ पे, ओके यहाँ पे अपन जा सकते हैं। ओके तो यहाँ पे बोल रहा है भाई कोई तगड़ी चीज़ चाहिए तोड़ने के लिए, तो ओके फटाफट से इसे तोड़ते हैं। ओके तो यहाँ पे निकली है भैया एक दरवाज़ा तोड़ने वाली पजल, मतलब जो सॉरी दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ इस तरह के आइकन दोनों लोगों ने बने हुए देखे होंगे, तो वही वाले ये सारे के सारे। और फिर देखते हैं और क्या चीज़ अपन को यहाँ से मिलती है। और ये फायर सिंबल भी फिलहाल अपन को नहीं पता है भैया यहाँ पे क्या काम आने वाला है। तो यहाँ पे ये वाली पजल है जो कि अपन को उस दरवाजे पे लगानी है, तो फटाफट से इसके ऊपर से देख लेते हैं भाई। इसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन को भाई याद रखना पड़ता है इस गेम में। और यहाँ पे ये भाई कुछ पता नहीं ऑब्जेक्ट इन आइस, ओके कोई तो चीज़ है बट जिसके उसके ऊपर जब बर्फ़ जमी हुई है, तो अपन को ये भी पिघलानी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब चलते भाई ये वाली पजल को सोल्व करने। ये तो इस तरह की पजल बनी हुई है भाई उस दरवाजे पर, तो फटाफट से चलते हैं उसी वाले दरवाजे पर। और ये भाई पता नहीं मुझे इसके अंदर क्या है, तो इसे पिघलाने पे पता चलने वाला है। तो वो वाला दरवाज़ा पड़ता है भाई इस वाली गली में, और यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने भी एक और बनी हुई है। ओके यहाँ पे भी कुछ वैसा ही बना हुआ है, वहाँ पे ग्रीन कलर का था, यहाँ पे ऑरेंज कलर का है। और दरवाजे पर भी तो लोग देख सकते हो दो पजल यहाँ पर बनी हुई है, तो उसे जो है देख के बिल्कुल वैसा ही अपन को बनाना है, तभी ये वाला दरवाज़ा यहाँ पे खुलने वाला है। तो फटाफट से मैं एक करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो कुछ इस तरीके से रखना है इसे, फिर कुछ
इस तरीके से घुमाना है। तबीयत फ़िलहाल थोड़ी ख़राब है, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोग कंटेंट टाइम पे मिलता रहता है। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके, इस साल अपन को कुछ भी करके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो फटाफट से यार करवा दो। और लगभग अपना एक दिन में एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपना कोई भी एक सब्सक्राइबर बढ़ता है या आप लोग कमेंट करते हो। और फिलहाल भाई इसे कुछ इस तरीके से अपन को रखना है, तो भाई इनको सोल्व करने का भी एक अलग ही स्टाइल है भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इस गेम की पजल। और अब भाई इसे सेट करना पड़ेगा अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे फटाफट से सेट कर लेते हैं। और तो देखते हो जैसे ही सही किया यहाँ से जो है लॉक हट चुका है, तो इसी तरीके से अपन दूसरे वाले लॉक को भी यहाँ से जो है हटा लेते हैं। ओके तो फाइनली तुम लोग देखते हो भाई दोनों के लॉक अपन ने हटा दिए और यहाँ पे ये वाला डोर ओपन हो गया है। तो फटाफट से इस डोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई क्या कुछ अपन देखने को मिलता है इस वाले कमरे में। ओके ये कौन बाबा आ गए भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बाबा से निपट लेंगे। ओके सबसे पहले भाई इनसे बात करते हैं। ओके तो आई नो दैट यू वांट टू रेस्क्यू योर सन whose mind has been clouded by dark magic. Okay, तो ये बोल रहा है कि अगर जो जिमी के ऊपर काला जादू हुआ है वो उसे जो है हटा सकता है, उसे उसकी रेसिपी पता है। तो अगर उस काले जादू को हटाने के लिए अपन को जाना पड़ेगा भाई एलचांट टावर। और फिलहाल मुझे नहीं, अभी तक भाई जहाँ भी मैंने एक्सप्लोर किया भाई ये वाला टावर मैंने नहीं देखा इस पूरे गेम में। आई थिंक ये सेकेंड वाली कैस्टल पर अपन को पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और ये बता रहा है कि भाई ये जादू जो है काला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और जो अपना सोने वाला पुतला है भाई वो इसी तरह इसी ने बनाया है, उन डेविल्स को जो है उस सोने के पुतले में जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर अपन जो है उस पुतले को तोड़ देंगे तो सारा काला जादू जो ख़त्म हो जाएगा, जो सोने का अपना पुतला है उसे अपन को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए सबसे पहले उसे पिघलाना पड़ेगा, तो फिलहाल मुझे नहीं पता है अपने को कैसे पिघलाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट भाई फिलहाल अपन इस कमरे को देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। नया टास्क आ गया है ये क्या है भाई एलकेमिस्ट टावर का, तो अपन को वहाँ पे पहुँचना है। और पहुँच के अपन को बहुत से आई थिंक दोबारा बात करनी पड़ेगी, बट भाई अभी तक मुझे ये वाला टावर नहीं मिला है, कहाँ है, आई थिंक आगे जाके अपन को मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे कुछ तो आई थिंक होना चाहिए। ओके भाई यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, वैसे ये कलेक्शन मिलता है। और इस बेड पे कुछ ना कुछ तो है। ओके यहाँ पे जो है सिंबल मिला है एक भाई, जो कि आई थिंक सेकेंड वाले डोर पर अपना लगने वाला है। और नीचे देखते हैं भाई, नीचे तो कहीं कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है फिलहाल। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करते हो कि ये क्या रखा हुआ है भाई। ओके ये चीज़ है, तो इसका एक टुकड़ा अपन को लेना है, तो डैगर है अपने पास, तो फटाफट से काट लेते हैं एक टुकड़ा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। और ओके इस चीज़ से शायद अपन जो है उस चूहे को बाहर निकालना है अपन को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट से निकाल लेंगे। और यहाँ पे आग जल रही है, और इसमें आई थिंक अपन कुछ ना कुछ तो पिघलाना पड़ेगा। ओके अपने पास भाई ये ऑब्जेक्ट था बर्फ़ वाला, तो इसे फटाफट से इसके अंदर डालते हैं एंड फटाफट से पिघलाते हैं। और क्या है भाई ये, ओके ये ज़्यादा गर्म है तो अपन इसको हाथों से नहीं उठा सकते, तो आई थिंक इस पानी को अपन इसके ऊपर डाल दे आके। ओके भाई ये पानी तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिलहाल मुझे नहीं पता है भाई ऐसे इसे जो है कैसे आग से अपन बाहर निकाले, इसके अंदर तो अपन ने डाल दिया, तो आई थिंक अपन को कोई चीज़ मिलेगी आगे जाके, तो कोई नहीं भाई अभी ढूंढते हैं अपन। एंड फिर यहाँ पे भाई भाई कोई चीज़ है। ओके तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है, और नीचे एक फट्टा लगा हुआ है, तो वो लोग देख सकते हो लकड़ी का टुकड़ा, और ये बीच में से आधा टूटा हुआ है, तो अपन को आई थिंक ये टूटे हुए लकड़े का आधा हिस्सा और ढूंढ के लाना है और फिर यहाँ पे लगाना है, और फिर भाई कोई पजल यहाँ पे शुरू होने वाली है काफ़ी ख़तरनाक, तो वो भी ढूंढना है। और इस वाले कमरे में भाई काफ़ी सारे पजल आ गए, फिलहाल सामने भी मुझे कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। ओके यहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है। ओके तो फिलहाल तुम लोग देखते हो यहाँ पे ये वाली पेंटिंग बनी हुई है, तो देखते हैं भाई ये क्या बोलती है। और ये उसी वाले सोने वाले स्टैचू की, तो यहाँ पे एक पुतला गायब है, तुम लोग देख सकते हो इसी का है आई थिंक एक। ओके ये बोल रहा है कि एक पुतला गायब है, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो बैठ के उस वाले कोने पे एक पुतला रखा हुआ है, बट इस वाले कोने पे भाई कोई पुतला नहीं है। तो सबसे पहले अपन को ये वाला पुतला ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे एक दरवाज़ा है, तो देखते हैं इसके अंदर भाई क्या है, ये खुफिया दरवाजे बनाए हुए हैं। ओके तो ये वही वाली पजल है भाई, नीचे ये सामान देख रहे हो, इनको जो है यहाँ पे रखना है अपन को,
जैसे कि मैं रखता हूँ भाई इस वाली चीज़ को, मतलब जहाँ भी रखो रिलेट करनी चाहिए, जैसे कि इस चेस के पीस को मैं चेस की गेम में रख दूँगा, तो वो जिस तरीके से अपन को करना पड़ता है। तो फिलहाल तुम लोग देखते हो भाई जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें रख दी है। अब बचा है भाई ये क्या है भाई, ये तंबाकू है शायद। ओके दिए है तंबाकू, तो इसे रखना है अपन को। और फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है भाई इसे कहाँ पे रखना है। ओके तो काफ़ी टाइम लगता है भाई ढूंढने में, पजल सोल्व करने में। ओके तो यहाँ पे ये सिगार पड़ा हुआ है, तो तंबाकू को जो फटाफट से इसके अंदर डालते हैं एंड देखते हैं भाई यहाँ से अपन को क्या मिलता है। ओके यहाँ से मिल चुका है भाई अपन को प्लास, और प्लास से अपन उस आग के अंदर से आई थिंक जो चीज़ अपन ने डाली है वो निकाल सकेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से निकाल लेते हैं। ओके तो ये है भाई वही वाला पुतला जो बेड के दूसरी वाली साइड पे गायब था, तो वहाँ पे अपन को ले जाके रखना है। और देखते हैं भाई अब क्या होता है यहाँ पे, तो फटाफट से इस वाले पुतले को जो है यहाँ पे लगा देंगे। और जैसे ही अपन लगाते हैं तो उन्होंने देखते हो भाई ऊपर की फोटो हट गई है भाई, कितने खुफिया तरीके से चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ओके तो ये कोई पीस और ये पजल के पीस है, और यहाँ पे है भाई कोई तो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, काफ़ी खतरनाक लेटर अपन को इस कैस्टल में काफ़ी बार मिल चुके हैं, और भारी अंग्रेजी में लिखे हुए तो अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और तो बाकी तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सारी पजल्स लगभग सॉल्व कर लिए इस वाले तकिए के अंदर, तो भाई आई थिंक कुछ होना तो चाहिए था, बट फिलहाल कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ भी रह जाती है तो भाई गेम पूरा अटक जाता है एक जगह पे। तो बेड वेड को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, और अब चलते हैं पीछे। तो अब ये दो डोर बाकी है खोलना, और तो इस वाले डोर का अपन को एक सिंबल मिल गया था, और यहाँ पे तुम लोग देखते हो जो सबसे पहले अपन को जो है उस काले जादू को तोड़ना पड़ेगा, तभी अपन को ये वाले सिपाही जो है अंदर जाने देंगे जिमी के पास, वरना तब तक ना ही जिमी अपन को पहचान पाएगा कि उसकी उसके ऊपर काला जादू किया हुआ है। और फिलहाल इस वाले दरवाजे को खोलने के लिए अपन को कुछ इस तरीके के तीन सिंबल लगने वाले हैं, तो एक सिंबल मिला है बट अभी दो और ढूंढने अपन को। तो यहाँ पे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाई बट भाई फिलहाल नहीं मिल रहे। और ये फायर वाला सिंबल एक बार लगाते देखते हैं, ओके पहले भी लगा के देख लिया था बट भाई ये नहीं लगने वाला है। तो अब चलेंगे भाई फटाफट से पीछे। ओके तो भाई ये माउस को तो भूल ही गए थे, तो फटाफट से अपने पास चीज़ आ गई है तो माउस को बाहर निकाल लेते हैं। और ये आ गया भाई, खाने तो देंगे ही नहीं हम, उठा लेंगे भाई पहले ही। ओके तो यहाँ पे चूहा अपन को मिल गया, और इस चूहे से शायद अपन को जो उस जगुआर को बाहर निकाल सकते हैं, उस लेपर्ड को अपन भगा सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे भी एक पजल है, तो इसके टुकड़े अपन को मिले हुए, तो फटाफट से इस वाली पजल को भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। और तुम लोग देखते हो भाई फटाफट से टुकड़े लगा के अपन ने इस पजल को सोल्व कर लिया है। और इसका भाई खुलने का स्टाइल देखना तुम लोग एक बार, इस पजल का ये देखो भाई, मतलब गेम के भाई काफ़ी हाई ग्राफिक्स है। और यहाँ पे अपन को एक और सिंबल का टुकड़ा मिल गया है, जो कि उस वाले डोर पे लगाना है अपन को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से इसे उठाते हैं और चलते हैं। और फिलहाल सबसे पहले अपन उस सिंबल को ही लगा के आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना भी सामान अपन को मिल रहा है भाई फटाफट साथ के साथ लगाते चलेंगे, ताकि ज़्यादा सामान होगा तो अपन तो लोग पता है भाई ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कौन सा वाला सामान कहाँ पर लगना है। और फिलहाल बस एक सिंबल यहाँ पर बाकी है, तो उसे भी अपन ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे अब चलते हैं भाई इस वाली साइड, और देखते हैं अपन। ओके तो यहाँ पे बैठा हुआ है अपना लेपर्ड, और इसके आगे अपन माउस छोड़ते हैं, और फिर देखेंगे भाई ये लेपर्ड कैसे भागता है। इसके पीछे ये रहा अपना माउस, और यहाँ पे फटाफट से जैसे ही भाई माउस को छोड़ा लेपर्ड, तो भाई उसके पीछे पागल हो लिया, तो दोस्तों यहाँ से ये भाग गया। एंड अब अपन जो है इस उड़ने वाली शिप के अंदर जा सकते हैं, तो फटाफट से चलते हैं। और इसके ऊपर भाई सबसे पहले तो इसका सेल फटा हुआ है, और उसके अंदर निकला है भाई एक एयर का सिंबल, जो कि मुझे नहीं पता कहाँ पे लगने वाला है। और इसके अंदर अपन अगर जाएं तो, लेकिन सबसे पहले भाई बाहर की जगह थोड़ी एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या पता भाई अंदर जाने की खुशी में अपन बाहर कोई चीज़ें मिस कर दें। तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं, एंड फिर यहाँ पे ओके यहाँ पे भाई ये टूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे पड़ा हुआ है एक व्हील वाल्व, फटाफट से इसे उठाते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है भाई, ओके तो इसको जो है एक नया ब्लेड चाहिए, तो ओके ब्लेड अपन को मिला हुआ है, तो फटाफट से यहाँ पे इसके ब्लेड को यहाँ पे जोड़ देते हैं। ओके एंड अब चलते हैं भाई डायरेक्ट इसके अंदर, और अंदर देखते हैं अपन को क्या कुछ सामान मिलता है। ओके तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अपन को बनी हुई दिख रही है, ये सब चीज़ें अपन को नीचे से उठा के लगानी है, बस इतना सा एक काम अपन को करना है, तो फटाफट से इसे लगाते हैं अपन यहाँ पे।
शिप को बेसिकली अपन को चलने के लिए रेडी करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब अपन को ये वाली चीज़ ढूंढनी है, तो ये वाली चीज़ ये रही और यहाँ पे इसे फिट करते हैं। और अब भाई इसे लगाते हैं। ओके ये नहीं लग रहा है। ओके दूसरी तरफ एक और पड़ा हुआ है भाई, ये लगेगा आई थिंक यहाँ पे। और अब अपन को अब जो है इसे लगाना है। तो तुम लोग देख सकते हो भाई काफ़ी तगड़ा गेम है, ग्राफिक्स काफ़ी तगड़े हैं। और अब जो है इस वाली चीज़ को अपन को ढूंढना है। और ये पड़ी है भाई अपने कोने में, तो फटाफट से इसे भी उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। और अब भाई ये वाली चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, ये तो दिख भी नहीं रही। ओके ओके भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है फिलहाल, ये क्या है भाई। ओके तो सबसे पहले भाई उसे छोड़ते हैं यहाँ पे, इसे लगा देते हैं। देन फिर ये वाला बटन यहाँ पे ये रहा, और पाइप अपनी ये पड़ी है, तो फटाफट से इसे लगाते हैं। और पाइप के पीछे भाई तो उन्होंने देख सकते हो जो शिप में अपनी कप्स वाले पजल थी, जहाँ पे कप गायब थे, तो वो कप्स भी अपन को मिल गए हैं। और अब बची है भाई ये वाली चीज़ ऊपर वाली। ओके ये यहाँ पे रखी हुई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भाई ये देखो वो थर्ड वाला सिंबल भी अपन को मिल गया, जो कि डोर पर लगाना है। तो अब उस डोर को भी ओपन कर पाएंगे। और ये शिप भी भाई अपने चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो वो देख सकते हो इसका सारा सामान अपन ने कम्प्लीट कर दिया है। और यहाँ पे दबाएंगे, बट भाई सबसे इसका ऊपर का जो सेल है अपना वो भी फटा हुआ है, तुम लोग पता होगा। तो सबसे पहले उसका भी भाई कोई इलाज अपन को करना पड़ेगा। यहाँ पे वही लिखा रहा है भाई कैन फ्लाई कैस्टल। तो सबसे पहले भाई उसका कोई इलाज करना पड़ेगा, अपना सेल फटा हुआ है तो उसे आई थिंक सीलना पड़ेगा। और सीलने के लिए अपन को सुई धागा चाहिए, जो कि अभी तक तो अपन को नहीं मिला है, आई थिंक आगे चल के अपन को मिल जाए। और फिलहाल बाकी तो और कोई सामान मुझे एक्सप्लोर करने के लिए नहीं दिख रहा। तो इस वाली शिप से अपने को जो है सामने वाले कैस्टल पे जाना है, बट यहाँ से ये फटा हुआ है तो इसको अपन को सही करना पड़ेगा। इसी वाली चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे अपन ठीक कर लेंगे। और अब जो है अपन को आई थिंक पीछे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अपन को मिल गई है, तो उन्हें लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से पीछे चलते हैं। और अगर तुम लोग अभी तक यार वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों को आ जाए। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम्हें हमारा अपनी वीडियो कैसी लगती है। तो इस वाले सिंबल को भी फटाफट से अपने इस वाले डोर पर यहाँ पर लगा देते हैं। और जैसे ही लगाते हैं अपना डोर, तुम लोग देखते हो भाई ओपन हो गए हैं। और सामने कुछ इस तरीके का एक महल तुम लोग बोल सकते हो, तो उन्हें देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी जगह से टूटा फूटा हुआ है। और इसी के अंदर उसका सामान पड़ा हुआ है, तो सारे सामान को उठा के अपन को सही जगह पे लगाना है। और यही है भाई पजल, और ऐसी भाई अनोखी पजल इसके अंदर आती रहती है। तो उन लोग देखते हो पूरा टूटा फूटा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से सामान उठा के अपन को यहाँ पर ऐसे लगाना पड़ता है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग सामान लगाने के बाद। और फिलहाल भाई बोलते ही तो उन लोग देखते हो सारा सामान अपन ने लगा दिया है लगभग, थोड़ा बहुत बाकी, तो फटाफट से इसे भी लगा देते हैं। और कुछ इस तरीके से अपन को लगाना है, ये वाली चीज़ लगाते हैं यहाँ पे। और तुम लोग देखते हो इसके अंदर से अपन को मिल गया है भाई ये कोर सिंबल, कौन सा वाला सिंबल है। ओके ये अर्थ सिंबल, जो कि उस आई थिंक पेटी भी लगने थे अपने ऊपर वाला जो रास्ता है। तो फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास हो गई है, तो अब टाइम आ गया इन सभी चीज़ों के यूज करने का। तो फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पर आई थिंक सारी पजल्स लगभग सोल्व हो चुकी है। और अब चलते हैं भाई पीछे, तो फटाफट से यूज करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं भाई इस वाले रास्ते पे। और यहाँ पे भाई यहाँ पे काफ़ी सारी पजल्स हैं, लेकिन आई थिंक सोल अभी तक एक भी नहीं हुई है। तो सबसे पहले अपन इस वाली वॉल पे, तुम लोगों को पता हुआ एक वॉल यहाँ पे गायब है, जो कि अपन को उस उड़ने वाले शिप पे मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट से इस वॉल को जो है यहाँ पे लगा देंगे। और कुछ इस तरीके से भाई इन्हें घुमाने पर इसकी सुइयाँ घूम रही है, बट अभी तक को किस डायरेक्शन में घुमाना है तो उसका पता अभी तक नहीं है अपन को, तो वो भी पता लगाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सबसे पहले इस वाली पेटी को खोलना है अपन को। इनके इसके जो है तीन सिंबल अपन को मिल गए हैं, बट एक सिंबल अभी भी गायब है, तो वो अपन को लगने वाला है। बट कोई नहीं, अपन सबसे पहले ये तीन सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं। और फिर है भाई ये फायर वाला सिंबल, तो फटाफट से यहाँ पे इसे भी लगाते हैं। एंड अब चलते हैं भाई इन कप्स की पजल सोल्व करने, जो कि ये कप्स लगने भाई अपने शिप्स में। और तो शिप पे फटाफट से अपन को जाना पड़ेगा। और भी काफ़ी सारी पजल है फिलहाल यहाँ पे, बट अभी तक उनके जो सामान अपन को नहीं मिले हैं, तो अपन को ढूंढने हैं। और फिलहाल तो मतलब इसके भाई गेम में अपन कितने ज़्यादा आगे हुए हैं, गेम भाई लगभग एंडिंग के करीब ही है। एक या दो एपिसोड इसके और आएंगे, तो एक या दो एपिसोड में अपन गेम को जो पूरा फिनिश कर देंगे। गेम फिनिश हो जाएगा, बट भाई अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तो बार बार बोलना पड़ता है यार अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइबर के बेल आइकन दबा दो। और यहाँ पे भाई तुम लोग देखते हो भाई कितना ज़्यादा पीछे आना पड़ रहा है अपन को, मतलब गेम के स्टार्टिंग की पजल्स भाई
गेम के एंड में सोल हो रही है। और भाई फिलहाल अपन आ गए हैं माउंटेन्स में, अपन को जाना अभी फॉरेस्ट में, अपन आए हैं कैस्टल से। और ये देखो भाई गेम मतलब कहाँ पे जा चुके हैं भाई, अपन खेलते खेलते सिर्फ 7 एपिसोड में। और इस वाली शिप पे वो वाली पजल, कोई नहीं फटाफट से अपन करते हैं। और यहाँ पे है वो वाली पजल्स, तो इन कप्स को अपन को रखना पड़ेगा, तो फटाफट से कप्स को रखते हैं। ओके तो फाइनली कप्स को अपन ने कुछ इस तरीके से रख दिया। और यहाँ भी तो उन्होंने देख सकते हो एक पेज लगा हुआ है, तो कुछ इस अकॉर्डिंग अपन को इन कप्स को जो है सेट करने हैं, और तभी पजल सोल्व हो जाएगी। तो फटाफट से मैं तो उन लोगों को पजल सोल्व करने के बाद यहाँ पे मिलता हूँ। ओके तो फिलहाल तो उन्होंने देख सकते हो जैसे अपन इसे जो है बदलते हैं, तो अपना पजल सोल्व हो गया है। क्या हो गया भाई, कुछ मिला तो नहीं? ओके नीचे आई थिंक कुछ आया। ओके ये है बुक जो कि गेम के स्टार्टिंग वाले लाइब्रेरी वाले पेड़ में जो एक पजल अपनी बाकी है गेम की बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये वहाँ का लगनी है ये बुक। तो फटाफट से लगाते हैं और देखते हैं इस बुक को लगाने पे अपन को क्या मिलता है। ओके तो ये गेम की बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग, दो लोग पता होगा। और यहाँ पे सारे पजल सोल्व कर दिए, बट इस वाले पेड़ में अभी भी एक पजल बाकी है, तो फटाफट से उसे भी सोल्व करके आते हैं और फटाफट से चलते हैं अंदर। ओके ये भाई एक लाइब्रेरी है पेड़ के अंदर, तो इस वाली लाइब्रेरी के अंदर वो बुक गायब है, तो फटाफट से रखते हैं इसे एंड फिर देखते हैं भाई क्या बोलता है। ओके तो ये अब जो है अपन को बुक्स को जो है एक सही पैटर्न में जो है सेट करना है, तो फटाफट से अपन करेंगे। तो कुछ फूल बने हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन को करना है, जैसे कि तुम लोग देखते हो कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से अपन इसे सोल्व कर लेते हैं। और तुम लोग देखते हो भाई फिलहाल ये लास्ट है, तो फटाफट से मैंने इसे सोल्व कर लिया। और देखते हैं इस वाली पजल को सोल्व करने के बाद अपन को जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ओके तो फिलहाल मिल चुका भैया अपन को ये वाला वाटर सिंबल जो कि उस वाली बुक पे शायद से लगना है, तो फटाफट से चल के लगाते हैं और देखते हैं भाई आगे अपन को क्या देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे आई थिंक सारी ही पजल, आई थिंक नहीं भाई पक्का यहाँ पे सारी ही पजल सोल्व हो चुकी है, तो फटाफट से अब ये लास्ट वाली पजल अपन सोल्व कर लेते हैं। और आई थिंक अब जो अपन को पीछे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग सारी पजल्स अपन सोल्व कर चुके हैं। और फिलहाल भाई बार बार मैं तुमको आगे पीछे नहीं जाके दिखाऊंगा, सीधा मैप से अपन जाने वाले हैं डायरेक्ट। तो अपन को यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करना है यहाँ पे, तो फटाफट से यहाँ पे स्पॉन हो जाते हैं। ओके तो इस वाली पेटी की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे अपन को ये वाला सिंबल लगाना है, तो फटाफट से यहाँ पे ये सिंबल लगाते हैं और देखते हैं इसके अंदर से अपन को क्या मिलने वाला है। ओके कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ म्यूजिक बज रहा है अलग सा ही। ओके ये बुक तो खुल गई है। और यहाँ पे भाई इन प्रेशर के मतलब यहाँ पे ओके तो अपन को सुई धागा मिल गया है अपनी उस उड़ने वाली शिप को चलाने के लिए। एंड यहाँ पे सामने कुछ घड़ियाँ लगी हुई है प्रेशर की, तुम लोगों को पता होगा, तो अपने पास ही लगी हुई है। तो इन जो पीछे घड़ी लगी हुई है इनको इसी डायरेक्शन में अपन को सेट करना है, जैसे इस बुक में दिखाई हुई है, तो उन्हें देख सकते हो। तो फटाफट से मैंने भाई याद कर लेता हूँ एक बार। ओके तो ये फटाफट से उन्हें सेट करते हैं, और ये रही वो घड़ियाँ, तो उस बुक के अकॉर्डिंग जो इन्हें सेट करते हैं एंड फिर देखते हैं भाई क्या होता है। ओके तो इस सेंटर वाली सुई को रखना है अपन को बिल्कुल 90 डिग्री पे, और ये भाई आगे चली गई, तो फटाफट से वापस लाते हैं। ओके एंड अब जो है इसे रोटेट करते हैं एंड देखते हैं भाई क्या होता है। ओके भाई धुआं निकलने लगा है, और भाई यहाँ पे भोंपू यहाँ पे बजा है। ओके अभी नहीं बजेगा, अभी लीवर बल खींचने पर ही बच जाएगा ही। ओके तो फिलहाल भाई अपना भोंपू बज चुका है, और फिलहाल मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ इसे बजाने से, एक बार देखते हैं भाई, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज तो मुझे नहीं दिख रहा है इस भोपू के बजने से। तो एक बार सामने भी भाई कुछ हरकत मुझे नहीं नज़र आई है, क्या हुआ है भाई इससे, तो एक बार चेक करते हैं भाई। ओके इस टेलीस्कोप से देखते हैं। ओके तो सामने जो ड्रैगन उड़ रहा था भाई, वो इस भोपू के बजाने से जो ड्रैगन वो चला गया है यहाँ से, तो आई थिंक अपन को जो है अब उस कैस्टल पर जाना पड़ेगा। और कैस्टल पर जाने के लिए अपन को यूज़ करनी है भाई वो वाली अपनी शिप, तो उसे भी अपन को बजाना है। ये वाली पजल अभी बाकी है, अपन को इसकी जो है अंदर लगाने वाली चीज़ें नहीं मिली है, तो अपन ये फटाफट से एक बार उड़ने वाली शिप पे जाएंगे। और उड़ने वाली शिप है अपनी यहाँ पे, तो सुई धागा मिल गया है, तो फटाफट से इसे सीलते हैं एंड फिर देखते हैं भाई आगे। ओके ये रहा अपना सुई धागा, और फटाफट से इसके बैलून को यहाँ से सील देते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से अपन ने यहाँ पे सील दिया है, और अपनी शिप जो है भाई इसके बाद उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब एक बार देख लेते हैं भाई, क्या पता अपन उड़े और नीचे गिर जाए रास्ते में ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल मैं मिलता हूँ दोनों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन जो है इस उड़ने वाली शिप के अंदर बैठ के भाई जाने वाले हैं।
तो फटाफट से गैस डालते हैं और ये स्टार्ट हो गया भाई, जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। वन क्लिक और अपन चले जाएंगे। तो मैं ये इसका यूज़ करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर दो एंड 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तबीयत थोड़ी ख़राब है आज तो